हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेलवे स्पेशल क्लासेज में जनरल साइंस का लाइव क्लास टेस्ट 29 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के अंदर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रखे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक क्या है? ए में दिया जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, ऑप्शन डी डाइन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? फ्रेंड्स, ए दूरी की, बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? दूरी की, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? फ्रेंड्स, ए में दिया केल्विन, बी जूल, सी कैलोरी, ऑप्शन डी में दिया है अर्ग। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम केवल कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए में दिया रक्त में हीमोग्लोबिन, बी वातावरण में ध्वनि, सी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन डी वायु में जलवाष्प। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? ए में दिया संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स, कौन सी इनमें से सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान नहीं है फ्रेंड्स, सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है। बाकी सभी सदिश राशियां हैं, संवेग, कोणीय वेग और वेग सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ए में दिया वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? वेग। वेग एक सदिश राशि है फ्रेंड्स, और बाकी यहाँ द्रव्यमान, लंबाइयाँ और समय बाकी सभी अदिश राशि है फ्रेंड्स, और वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु कौन सी है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होगा? ऑप्शन ए में दिया है गति समान होती है, बी वेग समान होता है, सी त्वरण समान होता है, ऑप्शन डी में दिया है बल समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है फ्रेंड्स? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? त्वरण समान होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। एक समानवर्ती गति में ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड्स चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, बी चाल और वेग दोनों चर होते हैं, ऑप्शन सी चाल चर और वेग अचर होता है, ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? चाल अचर और वेग चर रहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। एक समानवर्ती गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में दिया ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स बर्नौली फर्मे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? संवेग संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड्स? ए में दिया आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तृतीय नियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जल में तैरना न्यूटन की तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ए जड़ता का नियम, बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी गतिशीलता का नियम। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है फ्रेंड्स? ए में दिया है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसका सही आंसर हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है? ए विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, बी ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सी में दिया है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में करता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर सेल बनाए जाते हैं, सौर सेल किसके बनाए जाते हैं? ए में दिया सिलिकॉन से, बी गैलियम से, सी जर्मेनियम से, ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स ए व बी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ए व बी दोनों, सिलिकॉन और गैलियम से सौर सेल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी घनत्व पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बढ़ता है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? घटता है, बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक भी घट जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शन ए में दिया तेज चलने के लिए, बी फिसलने से बचने के लिए, सी दिया फ्रेंड्स स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर इसलिए झुकता है ताकि स्थायित्व बना रहे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल कैसा हो जाएगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? ए में दिया 9.46 इंटू 10 रेस्ट पावर 15 मीटर, बी में दिया फ्रेंड्स 9.46 इंटू 10 रेस्ट पावर सॉरी फ्रेंड्स 9.46 इंटू 12 मीटर, ऑप्शन सी में दिया फ्रेंड्स 9.46 इंटू 10 रेस्ट पावर 9 मीटर, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स ए व बी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा फ्रेंड्स? ए इसका सही हो जाएगा, 9.46 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? ए में दिया फ्रेंड्स 11.2 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में दिया फ्रेंड्स 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी में दिया 10.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी में 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर कौन सा जो है फ्रेंड्स? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी संचित ऊर्जा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स?
स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाबी भरी गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखिए, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी मेरे फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? कम हो जाएगा, दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 2 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो राइट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया स्थायी तनाव के कारण, बी वर्षा जल की सहनता के कारण, ऑप्शन सी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? स्थायी तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? पास आती हुई किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है फ्रेंड्स? ए चार्ल्स नियम, बी बर्नौली प्रमेय, सी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन डी आर्किमिडीज सिद्धांत। राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? डॉपलर प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ए नाविकों द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, सी अभियंताओं द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। राइट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? नाविकों द्वारा, सोनार अधिकांशतः नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी अनुरणन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? परावर्तन, ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेडियो का समसवर्ण स्टेशन उदाहरण है, रेडियो का समसवर्ण स्टेशन उदाहरण है, ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनुरणन, ऑप्शन डी अनुनाद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? अनुनाद इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियो का समसवर्ण स्टेशन अनुनाद उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए रेडियो तरंगों का परावर्तन, बी रेडियो तरंगों का अपवर्तन, सी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन डी रमण प्रभाव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? रेडियो तरंगों का परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस कहाँ पर होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है? ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में, ऑप्शन डी ठोस में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स? ठोस में, ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया फ्रेंड्स, ताप के बढ़ने से घटता है, बी ताप के बढ़ने से बढ़ता है, सी ताप के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स? ताप के बढ़ने से बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कान से पतली होती है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कान पतली होती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया था, रिपीट हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन ए में दिया है स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, बी स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, सी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता
कम होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। स्त्रियों की ध्वनि का तारतव अधिक होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से कारण किस कारण होती है, स्त्रियों की ध्वनि का तारतव अधिक होता है फ्रेंड्स और मनुष्य और पुरुषों का तारतव कम होता है। नेक्स्ट देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। ए में दिया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, एक बी में दिया दिया है फ्रेंड्स 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी में दिया फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, ए किलोहर्ट्ज, बी किलोहर्ट्ज पर सेकंड, ऑप्शन सी दिया फ्रेंड्स हर्ट्ज पर सेकंड, ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स हर्ट्ज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स, हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है फ्रेंड्स, एच जेड, ठीक है फ्रेंड्स, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि की चाल है, वायु में ध्वनि की चाल क्या है, 220 मीटर पर सेकेंड, बी में दिया फ्रेंड्स 232 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स 432 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स, वायु में ध्वनि की चाल होती है, कैसी होती है फ्रेंड्स, 332 मीटर पर सेकेंड होती है वायु में ध्वनि की चाल, 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री F होता है, सेल्सियस स्केल्स पर यह कितना होता है, मानव शरीर का तापमान फारेनहाइट पर तो 98.6 डिग्री होता है फ्रेंड्स, और सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, ऑप्शन ए में दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में दिया फ्रेंड्स 40 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर कौन सा जाए फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, फारेनहाइट पर मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है फ्रेंड्स और सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे, ए में दिया -40 डिग्री, बी 212 डिग्री, सी 40 डिग्री और ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स 100 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए फ्रेंड्स, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं फ्रेंड्स, -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, और ऑप्शन डी दिया फ्रेंड्स उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो राइट आंसर कौन सा जाए फ्रेंड्स, किसी वस्तु का किसका सूचक है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।